से जो मुझे जमी ने बताया था, मैं उस रास्ते से आ गई हूँ। और आप ही देखिए ये हजारों साल पुरानी दरख्त यहाँ पर, जैसा किसने बताया कि ये 12वीं सदी का ये श्राइन है, जो कि तरक्की और मनसब के लिए, दुआओं के लिए मांगा जाता है। मैं आपको दिखाऊं तो आप हैरान रह जाएंगे। ये देखिए, और इसकी लविश एंट्रेंस देखिए, ये देखिए, ये ऊपर, बारहवीं सदी की यादगार श्राइन। लोग आज भी आते हैं, दुआएं मांगते हैं। आप देखिए उस जमाने में भी बुतों का रिवाज नहीं था। श्राइन उसी को कहते हैं जिसमें बुत नहीं रखे जाते। और ये शिंटो मजहब के मानने वाले। हाँ जी, मैं यहाँ हूँ। आप तो वॉशरूम गए थे तो हाँ, वो ढूंढते हुए आ रहे। जी जी, मैं इधर हूँ जी, प्लीज यू कैन गाय। थैंक यू सर। ये मैं आपको दरख्त दिखा रही हूँ, आप उसकी ऊंचाई देखिए। अच्छा ये मैंने भी इसको कहा कि मैं इतनी सीढ़ियां चढ़ के नहीं जाऊंगी, बिकॉज इट्स टू मच। और अब वहां चलते हैं। और दूसरी तरफ देखिए, ये पानी है, लेक, ये लेक है, आप जाइए। हाँ जी, तो मैं आपको बीच में दोनों नजारे दिखा के फिर मैं लेक पे जाकर तस्वीरें बनाऊंगी, ठीक है? आप ये देखिए, मैं बाहर निकल रही हूँ। तो अगर हम यहां से आते हैं, यहाँ पे हमारी बस खड़ी है, अगर हम यहाँ से स्ट्रेट आते हैं तो ये देखिए राइट साइड पे लेक है। अच्छा जी, और ये एक सीधा रास्ता है, मतलब गेट है श्राइन के लिए। और एक गेट ये है जो इसका मेन गेट है। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि आप कहाँ पर हैं। ये देखिए सब सीढ़ियां चढ़ के जा रहे हैं। ये एक और रास्ता श्राइन को जाने के लिए, और ये रास्ता भी श्राइन के लिए है। उसकी एंट्रेंस ही है, आप देखिए, आपको ऑरेंज और रेड गेट आपको नजर आ रहा होगा। ये आमने सामने ही है दोनों, लेकिन वो लेक की तरफ खुलता है जाके। और बीच में देखिए एक और सड़क है जिसमें वो आदमी चल के आ रहा है, देखिए, ये देखिए, और फिर वो यहां से आएगा। तो ये एक ग्रैंड श्राइन है। और जब हमने अभी वॉल्केनो देखी थी, वहां से जो है वो केबल कार आती है जो यहाँ आके रुकती है, और वो यहाँ पे फिर लोग अपनी इबादत करके यहाँ से करते हुए जाते हैं। ये देखिए, ये पूरा जंगल है, और जंगल के अंदर मंगल, और ये श्राइन का मेन आमने सामने का गेट आप देख सकते हैं। बहुत सारे गेट हैं इसके, और जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हों। मैं आपको एक पूरा पैनोरामा व्यू दिखा के, ये देखिए, ये उस सामने नजर आ रहा है गेट जी। अच्छा, और आफ्ताब जो है ना, ये कोकोला है, ये कलेक्शन है, ये नजीब। हाँ जी, मेटल बॉटल है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, लिसन, जी जी जी, लिसन हो रहा है। जी जी, ये नजीब के लिए जमा कर रहे हैं, आमना के लिए सेट लिया है, नजीब के लिए लिया है। अब मुझे लगता है कि मुनीब और जेस के लिए भी कर रहे हैं। ये देखिए, ये श्राइन का मेन रास्ता ऊपर सीढ़ियां जाने के लिए। तो दोस्तों, मैं आपसे इजाजत चाहूंगी यहीं पर। जैसे ही मुझे कोई अच्छा सा स्पॉट मिलेगा, मैं डेफिनेटली आपको दिखाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम आए हैं एक श्राइन पे, बहुत मुश्किल नाम है, लेकिन श्राइन, जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि इसमें मुजस्मे नहीं होते। और आप ये देखिए, इसकी खूबसूरती देखिए, मुलाहजे कीजिए इसकी खूबसूरती।
और ये शराइन के साथ पानी का होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आप जानते हैं। इसके अंदर मछलियां हैं, आप देख सकते हैं। करके दिखाती हूँ, इस साइड से दिखाती हूँ। ये देखिए, और ये ऊपर दरख्तों का झुंड। मैं अगर ऊपर से आपको दिखाऊं, इसके ब्रॉड विजन दिखाऊं, ये देखिए, ये इसकी एक एंट्रेंस है, इसके भी गेट्स हैं, और ये देखिए सारी खूबसूरती। देखिए यहाँ से एंटर होते हैं, आपको मालूम है, यहाँ से एंटर होंगे, और एक एंट्रेंस इसकी ये है, और ये दोनों एंट्रेंस इन खूबसूरत दरख्तों से ढकी हुई, ये साथ ही ये इंतजाम उनका जो यहाँ के इलाके की हिफाजत करते हैं, खाने पीने का इंतज़ाम, बाथरूम की सहूलत। या ये हमारी बस खड़ी हुई है, यहाँ हमने रोका है, और यहाँ पर एक और गेट है, ये दूसरा गेट है, और ये देखिए जो मैंने आपको पहले दिखाया था, यहाँ सब लोग खूबसूरत दरख्तों में अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग यहीं पॉन्ड में रुक गए हैं, मछलियाँ देख रहे हैं। मैं आपको और आगे लिए चलती हूँ, उस रास्ते की तरफ जहाँ मेरे साथी गए हैं। देखिए ये एक और रास्ता है, मैं छोटी-छोटी वीडियोस बना रही हूँ आप लोगों के लिए, ताकि इसको देखने में आसानी हो, महफूज करने में आसानी हो। लेकिन ये देखिए एक और ये रास्ता है जाने के लिए, जहाँ पे भी ये सुर्ख रंग इस्तेमाल होगा वही जो है वो सो चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ। रॉय, आर यू कमिंग विद मी? I will not last after that. Going, this way. Oh, this way? Yes. Should I come from there? Okay. So, yeah. तो मैं आपको यहीं से खुदाफिस कहती हूँ ताकि मैं इनको ज्वाइन कर लूँ। ये युमी है, ये शी इज आवर गाइड। थैंक यू युमी। ये एक और रास्ता है, यहाँ से सब गए हैं, तो यमी का कहना है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए, तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। ठीक है, तो फिर मैं ऊपर पहुँच गए, फिर बात करते हैं। अब बंद कर दिया अपनी कर। आप देख सकते हैं ये सारा कुछ जो है मोहब्बत की अलामतें हैं, और ये जो रेड कलर की जो पूरा जो बना हुआ है, ये सारा बैम्बू है, और ये एक किस्म का आप कहें कि इस कॉरिडोर से मोहब्बत वाले गुजरना चाहते हैं, मन्नत मांगते हैं, और अब जब भी इसको हम करते हैं, और जब भी हम ये देखिए यहाँ पे शूटिंग हो रही है, और ये सब कुछ ये मोहब्बत के खतूत है, और ये देखिए कि यहाँ के जो नाम जो है लिखे हुए हैं, ये देखिए, और ये कॉरिडोर से गुजरना जो है इबादत समझा जाता है। और जब भी हम इस श्राइन के बारे में मालूम करते हैं, तो सबसे पहले ये तस्वीर निकल कर आती है, एंड इट इज सो मच टू से
हम कहते हैं ना कि हकीकत फसाने से ज्यादा खूबसूरत होती है। मोहब्बत करने वाली हूँ और मैं फिर एक दफ़ा कॉरिडोर में खड़ी होती ताकि आप इसको एक दफ़ा और देख लें और उसके बाद मजीद किसी की जरूरत है तो चले। चलो आ जाओ।